ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। हम यहां आपको हर रोज़ कुछ ऐसी जानकारियां बताते हैं जिन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। दोस्तों जी हाँ, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको सुबह ही उठने के साथ करना है, यानी मॉर्निंग में जब उठते हैं तभी, और यह उपाय मुख्य द्वार से जुड़ा है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इसका लाभ उठा सके। अब अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों आपको करना यह है, जब आप सुबह उठें तो आप अपने मुख्य द्वार को खोलें और बाहर की तरफ आपके मुख्य द्वार के गंगा जल से छींटे मारें, जिससे कि सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए। गंगा जल डलते ही सकारात्मक ऊर्जा का माहौल हो जाए और इसी के साथ आप अपने घर में यानी मुख्य द्वार में बाहर की तरफ थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें, दाएँ तरफ यानी राइट साइड पर, क्योंकि हल्दी माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। और अगर आप अपने घर के बाहर जो रंग होता है दीवार पे, वह अगर आप पीला, मेहरून या लाल कराएं तो वह भी बेहद अच्छा है, क्योंकि पीला रंग परमपिता परमेश्वर नारायण को पसंद है और वहीं मेहरून और लाल माता रानी लक्ष्मी को प्रिय है। दोस्तों इसी के साथ आप अपने मुख्य द्वार पे बाहर की तरफ शुभ लाभ और अंदर की तरफ गणेश जी का चित्र लगाएँ तो ये बेहद अच्छा होगा। इससे जो है गणेश जी आपके घर में आके विराजेंगे, सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, धन के नए नए रास्ते खुलेंगे और आप देखेंगे आपको ऐसी अपार सफलता मिलेगी अपने काम में जैसे आज तक कभी नहीं मिली थी। यह सिर्फ सुनने में ज़रूर आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये संभव नहीं है, लेकिन जब खुद करेंगे तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा, क्योंकि ये उपाय ज़रूर साधारण है लेकिन इसका फल असाधारण है। इससे क्या है दोस्तों, कई बार लोग इसलिए पैसे नहीं कमा पाते या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है और ये सब चीज़ें करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं भगवान माता रानी सभा के विराजमान होते हैं। इसी के साथ आप ये भी करें कि अपने घर के बाहर आप एक बंदर बार भी लगा लें, बंदर बार यानी जो कि आम के पत्तों की आप लगा सकते हैं या फिर आप गेंदे के फूल की भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है और सकारात्मक ऊर्जा इससे घर में प्रवेश करती है। और आप अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखें, कोई भी पानी भरा हुआ ना हो, गंदगी ना हो, हमेशा साफ रखें, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में आके विराजती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमेशा मुख्य द्वार से ही आती है, अगर वो गंदा होगा तो वह नहीं आएंगी, उनकी जगह नकारात्मक ऊर्जा घर में आके बस जाएगी जो कि आपके बनते बनते काम बिगाड़ेगी। दोस्तों ये उपाय आप करके देखिए और फिर आप खुद को जो इसका फल मिलेगा आप खुद विश्वास कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।